Direct and indirect speech. There are two ways of reporting what somebody said. किसी भी कही बात दो अलग अलग तरीके से कही जा सकती है. जब स्पीकर के मूल कथन को हम दूसरे से हूबहू उसी शब्द में कहते हैं तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जैसे जाफर सेड, आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक. वी कैन रिप्रोड्यूस द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. वी कैन एक्सप्रेस द स्पीच इन आवर ओन वर्ड्स एज इन द सेकेंड सेंटेंस. स्पीकर के मूल कथन को हम कुछ हेर फेर कर किंतु जो उसका आशय है, उसके जो अर्थ हैं, उसमें कुछ भी बदलाव ना करके हम लोग उसको बोलते हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ अंतर देख लें आप. डायरेक्ट स्पीच जो है उसमें आप देखेंगे कि ये इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. जो कथन है उसका, स्पीकर का जो कथन है, उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में, कोटेशन मार्क्स के अंदर में रखते हैं. इसको कहते हैं कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में रखते हैं और ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. रिपोर्टेड स्पीच. और उससे पहले जो क्लॉज है वो रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है. रिपोर्टिंग क्लॉज. रिपोर्टिंग क्लॉज में ये वर्ब जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है. रिपोर्टिंग वर्ब. और इन्वर्टेड कॉमा का पहला जो वर्ड होता है कि बात अंदर में जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में होता है. तो ये मोटी मोटी बातें आपको रखनी है याद कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर होता है. अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने का क्या नियम है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, उसमें हम तीन चीजों का जरूर ख्याल रखते हैं. एक तो टेंस का ख्याल रखते हैं, दूसरा पर्सनल प्रोनाउंस उसका ख्याल रखते हैं, और तीसरी चीज वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को आपको दिखा हुआ कैसा कैसे मिलेगा. कभी आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जैसे जाफर सेठ, यहां पर हमने लिखा जाफर सेठ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, यहां पे फुल स्टॉप डाला. तो ये हमने रिपोर्टिंग वर्ब को, ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज है जिसके अंदर में रिपोर्टिंग वर्ब भी है, उसको रिपोर्टेड स्पीच से, रिपोर्टेड स्पीच से पहले लिखा. कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेड जाफर. तो ये कोई बंदिश नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जब भी बाद में हम रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे या रिपोर्टेड रिपोर्टिंग क्लोज को लिखेंगे, उसका जो वर्ब है उसको पहले लिखेंगे. तो अभी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर है उसको देखा हमने. रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है. रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब के अलग अलग टेंस हो सकते हैं. ये रिपोर्टिंग वर्ब जैसे पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है. इसके अलग अलग टेंस हो सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं. अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे. धन्यवाद.